मैं हूँ पल्लवी। पल्लवी कुकिंग रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पल्लवी आज आपके लिए लेकर आई हूँ मार्केट प्रीमिक्स। आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि आप मार्केट स्टाइल जो प्रीमिक्स है वो हमें बताइए, तो ये मार्केट स्टाइल वैनिला प्रीमिक्स बनकर तैयार है। तो इसे जो है इसे इंडस्ट्रियल प्रीमिक्स भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। मार्केट स्टाइल प्रीमिक्स बनाने के लिए पहले हम देख लेते हैं हमें क्या इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं। सारे मेजरमेंट्स हैं वो हम ग्राम्स में करने वाले हैं। तो हमें वेट मशीन लगेगी, उसके बाद हमें लगेगा मैदा, थोड़ा सा सॉल्ट लगेगा, बेकिंग पाउडर, पाउडर शुगर, ये वैनिला पाउडर का डिब्बा है, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ये है 180 रुपए का डिब्बा है, और ये है प्यूरामिया कंपनी का एगलेस केक कॉन्सेंट्रेट। ये मेन इंग्रेडिएंट्स है हमारे जो केक का प्रीमिक्स बनाएंगे उसमें। ये 700 रुपए का डिब्बा है, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था अमेजोन से। ये दोनों चीज़ें मैंने अमेजोन से मंगाई थी। तो चलिए बनाते हैं प्रीमिक्स। अभी हमने ये वेट मशीन ले ली है, इसका इसे हम स्टार्ट कर देंगे। इसके ऊपर जब हम बाउल रख देंगे तो इसका वजन, ये जो यहाँ पे इसका वजन आया है ये कर देना है हमें ज़ीरो। अभी हमें करना क्या है, इसके अंदर हम डालेंगे कॉन्सेंट्रेट पाउडर, डालेंगे 90 ग्राम। अभी मेरे पास की जो कॉन्सेंट्रेट पाउडर है वो ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए इसका 59 ग्राम वेट आया है। लेकिन आपको ये जो कॉन्सेंट्रेट पाउडर है वो 90 ग्राम लेनी है। इसे निकाल देंगे हम दूसरे बाउल में, इसे इस तरह से दूसरे बाउल में निकाल कर छान लेना है। सारे इंग्रेडिएंट्स हमें इसी तरह से छान के लेने हैं। अभी हमें ये ऑफ करके फिर से ऑन करना है। ये बाउल रख दिया इसके ऊपर और इसका वेट कर दिया जीरो। अभी हमें लेना है मैदा 455 ग्राम। लगभग आधा किलो के करीब हमें लेना है मैदा। 455 ग्राम पूरा वेट करके ही लेना है। ये हम जो प्रीमिक्स बना रहे हैं इसे इंडस्ट्रियल प्रीमिक्स भी बोलते हैं। मार्केट स्टाइल प्रीमिक्स है, उसे इंडस्ट्रियल प्रीमिक्स भी बोलते हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट है इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा लेंगे, अभी ये ज़्यादा हो गया, हमें 455 ग्राम ही लेना है, इसे थोड़ा सा कम कर लेंगे। अभी ये आ गया एग्जैक्ट 455 ग्राम। अभी फिर से इसे निकाल लेंगे और छान लेंगे। इस तरह से इसे फिर से हमें छान लेना है। सारी चीजें हमें छान कर ही लेनी है। अब
अभी ये जो पाउडर शुगर है ये हमें 400 ग्राम लेनी है, 441 ग्राम हमने ले ली है। अब हमने ये ज़्यादा ले ली है, अब इसे हमें 400 ग्राम करनी है। एक्यूरेट सारे मेजरमेंट लेने हैं, ना ही कम और ना ही ज़्यादा, थोड़ी सी और डाल, बस एक्यूरेट हो गई 400 ग्राम। इसे भी हम छान लेंगे। ये बाउल रख दिया हमने इसके ऊपर, इसका वेट हम कर देंगे 0। अभी हमें लेनी है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हम लेंगे 1.35 ग्राम। अभी ये छोटे मेजरमेंट से 1.35 ग्राम इसके ऊपर नहीं आएगा, तो हम 1 ग्राम ले लेंगे, 2 ग्राम ले लेंगे इसे। लगभग 2 ग्राम हम ले लेंगे बेकिंग पाउडर। ये ले ली हमने 3 ग्राम बेकिंग पाउडर। इसे छानने की कोई जरूरत नहीं है, इसे ऐसे ही डाल देंगे हम। और हमें लेनी है वैनिला पाउडर 6 ग्राम। ये हमने ले ली 6 ग्राम वैनिला पाउडर और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। जो नमक ज़्यादा नहीं डालना है, बस इस तरह से पिंच ऑफ लेनी है, बस इस तरह से डाल देनी है, बस थोड़ा सा डालना है, नहीं तो हमारा जो ये केक का बेस है वो ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा, तो इसलिए बस इतनी सी ही हमें लेनी है सॉल्ट। यहाँ पे हमने ये जो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें छान के लिए है। छानने के बाद छलनी में इस तरह से थोड़ा सा बच जाता है, तो इसे फेंकना नहीं है, ये भी हम डाल देंगे इसी के अंदर। अब हमें ये सब कर देना है पूरा मिक्स इसी तरह से, और इसे मिक्सी में हम एक बार निकाल लेंगे। ये पूरा डाल के मिक्सी में निकालने के बाद ये पूरा अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो मिक्सी में निकालना इससे बहुत ही ज़रूरी है। ये पूरा जो प्रीमिक्स है ये डाल देंगे हम मिक्सी में। मैंने पूरा डाल दिया है मिक्सी में, ये एक बार में पूरा प्रीमिक्स नहीं आएगा, तो आपको दो बार में इसको लेके ये करना है। मैंने दो मिक्सी के जार ले लिए हैं इस तरह से, और दोनों मिक्सी के जार में मैं ये ब्लेंड कर रही हूँ। ये पूरा हमने मिक्सी में से निकाल लिया है, अब हम इसे छान लेंगे। इसे पूरा हमें छान लेना है, ताकि हमने जो मिक्सी में से निकाला है, मिक्सी में से निकालने के बाद ये पूरा हो जाता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी गुठलियाँ आ जाती हैं, तो वो पूरी निकल जाएगी, इसलिए हमें ये फिर से एक बार छानना है। छानने का प्रोसीजर है, ये हमें करते रहना है, तो भी हमारा जो प्रीमिक्स है वो अच्छा बनेगा। ये इस तरह से इसमें बच जाता है, तो ये डाल देंगे हम इसके अंदर।
इस हमने पूरा छान लिया है, इसे एक बार इस तरह से विस्कर से चला देंगे। इस तरह से छानने से और मिक्सी में से चलाने से हमारा जो प्रीमिक्स है उसके इंग्रेडिएंट्स है वो एक साथ पूरे घुल मिल जाते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी सारी चीज़ें भी एक साथ घुल जाएंगी और आपका प्रीमिक्स मार्केट जैसा बनेगा। ये हो गया है हमारा प्रीमिक्स, ये 1 किलो प्रीमिक्स बनकर तैयार है। और अगर आपको चॉकलेट प्रीमिक्स बनाना है तो आपको इसमें डालनी है कोको पाउडर 40 ग्राम। अगर इसमें 40 ग्राम आप कोको पाउडर डालोगे तो आपका चॉकलेट प्रीमिक्स बनकर तैयार हो जाएगा। ये वैनिला प्रीमिक्स बनकर तैयार हो चुका है। अब अगर आपको आज की मेरी प्रोसीजर है पूरी वो पसंद आई है वैनिला प्रीमिक्स की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर नए हो चैनल पे तो, और पुराने सब्सक्राइबर को बताना चाहूँगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे और नई चटपटी सी रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।